हाय, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अवनीश, आप देख रहे हैं अवनीश यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ वो तो आपने थंबनेल पर देख लिया होगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलना, किस चैनल पर इस तरह की वीडियो में लाता रहता हूँ। चलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे आपसे मेरा नाम है अवनीश, आप देख रहे हैं अवनीश यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सैमसंग M20 FR बाईपास। सबसे पहले दोस्तों, आपको टॉप बैग ओपन करना पड़ेगा। दोस्तों, टॉप बैग ओपन करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली से दो उंगलियों को एक सी में प्रेस करना होगा। सो दोस्तों, आपको टॉक बार ओपन हो जाएगा। टॉक बार ओपन होने के बाद दोस्तों आपको एल बनाना होगा। एल बनाने के बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ देखा आपको टॉक बार सेटिंग को ओपन करना होगा। उसका दोस्तों वहाँ पर टॉक बार को ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ करने के लिए दोस्तों यहाँ आपको देखना पड़ेगा टॉक बार ट्यूटोरियल। दोस्तों, अभी मैं देख रहा हूँ टॉक बार ट्यूटोरियल मिल चुका है। इससे दोस्तों मैं आपको यहाँ टॉक बार को ऑफ कर दूँगा। जैसे तो मेरा टॉक बार ऑफ हो चुका है, फ़ोन को मैं आसानी से यूज़ कर पाऊँगा। यहाँ दोस्तों मुझे पहुँचना है यूट्यूब की साइट पर। यूट्यूब साइट जाने के लिए दोस्तों यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा गूगल क्रोम। जैसे तो मैं फर्स्ट नंबर पे जो दिख रहा होगा गूगल क्रोम, यहाँ क्लिक कर देना। और दोस्तों तीस नंबर पे क्लिक कर देना और यहाँ पे गूगल थोड़ा यूट्यूब को चला देना है। और तीन डॉट पर क्लिक कर देना। यहाँ दोस्तों आप यूट्यूब के इंटरफेस पर चले जाओगे। इसे थोड़ा स्क्रॉल कर देना है। दोस्तों अकाउंट पर क्लिक कर देना है। फिर हमें प्राइवेसी पर क्लिक कर देना है। यहाँ दोस्तों एक्सेप्ट कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नो थैंक्स क्लिक कर देना है। यहाँ दोस्तों आपको टाइप करना है google.com। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ google.com। दोस्तों, वीडियो सोच लेकर एंड तक देखते रहिएगा। दोस्तों, वीडियो में आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर दोस्तों वीडियो को वैक करके दोबारा देख लेना। जैसे दोस्तों आपको जो भी दिक्कत आ रही हो आसानी से सॉल्व हो जाए। दोस्तों, हम यहाँ तक जो भी वीडियो बनाते हैं कोई वीडियो फेक नहीं बनाते हैं। जो दोस्तों रियल वीडियो होते हैं वही बनाते हैं। ये दोस्तों वीडियो आपके फ़ोन में जो ऑफर भी लगा हुआ 100% बाईपास करा देगी। और दोस्तों, फिर भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, उसकी मैं वीडियो बना दूँगा और आपको जो भी प्रॉब्लम था वो भी दूर हो जाएगा। या दोस्तों, मुझे क्विक शॉर्टकट मेकर डाउनलोड कर लूँगा। जैसे दोस्तों कुछ ही देर में मेरा क्विक शॉर्टकट मेकर डाउनलोड हो जाएगा। उसको दोस्तों इसको शॉर्टकट मेकर द्वारा मैं इस फ़ोन की स्क्रीन पर चला जाऊंगा। ओके दोस्तों, मेरा ये सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड भी हो चुका है। यहाँ सेटिंग क्लिक कर देना। इसका दोस्तों यहाँ एलो फ्रॉम ऑफ सिक्योर पर क्लिक भी कर देना। उसका दोस्तों वैक यहाँ पर इंस्टॉल कर देना। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद सॉफ्टवेयर को ओपन करना होगा। इस दोस्तों मैं यहाँ से अभी ओपन कर लेता हूँ। कुछ इस तरह का आपके फ़ोन में इंटरफेस आने के बाद दोस्तों यहाँ आपको करना होगा सर्च सेटिंग। दोस्तों, यहाँ मैं अभी आपको सर्च कर रहा हूँ सेटिंग। सेटिंग के थ्रू दोस्तों में जो भी सेटिंग है में इंटरफेस आता है अंदर, वो टोटल इंटरफेस में अभी मेरे सामने आने वाला है। जैसे दोस्तों आप देख रहे होंगे जो आपके फ़ोन की सेटिंग में जो इंटरफेस आता है वो टोटल मेरी इस सॉफ्टवेयर के हिसाब से पूरा इंटरफेस आ चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ मुझे डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर मुझे उसे डीएक्टिवेट करना होगा। जैसे दोस्तों ये डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर से दोस्तों मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ। फिर बैक आ जाता हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, कि दोस्तों इस चैनल पर इस तरह की वीडियो आती रहती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो लाल कलर का जो बटन दिख रहा है दोस्तों एक बार से प्रेस करना। जो साइड में जो घंटी दिख रही है उस पर क्लिक कर देना, उसको और ऑल पर क्लिक कर देना। दोस्तों, आपको चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई भी खर्चा नहीं आएगा। आपका एक चैनल सब्सक्राइब से थोड़ा हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो और बनाने की हिम्मत मिलती है। यहाँ दोस्तों मैंने गूगल प्ले सर्विस को डिसेबल कर दिया है। यहाँ से दोस्तों मैं पहुँचना पड़ेगा फाइल में। दोस्तों, मैंने अपने SD कार्ड में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है, उसकी मदद से दोस्तों मैं इसे अभी FRP को बाईपास करूँगा। यहाँ दोस्तों मैं अपना मेमोरी कार्ड लगा लेता हूँ। जैसे दोस्तों मैं अभी यहाँ पे मेमोरी कार्ड अपना डाल रहा हूँ। जैसे दोस्तों मैंने अपने यहाँ पे मेमोरी कार्ड डाल दिया। सिंपल दोस्तों यहाँ मैं SD कार्ड को ओपन करूँगा। यहाँ मेरा जो मोबाइल FRP बाईपास का जो सॉफ्टवेयर है उसे इंस्टॉल कर लूँगा। दोस्तों, हो सके तो मैं इसे सॉफ्टवेयर को अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, और आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नाम दे पाऊँ तो फिर दोस्तों इसे गूगल से आप सर्च करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हो और अपनी मेमोरी कार्ड में ले सकते हो। उसका दोस्तों मेमोरी कार्ड
अपने फ़ोन में लगा के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा दोस्तों। जब तक आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करोगे दोस्तों, आपका जो FRP लगा हुआ है वो वापस नहीं होगा। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करना पड़ेगा। इसकी मदद से दोस्तों आपको पूरा प्रोसेस कर पाओगे। यहाँ से दोस्तों थोड़ा बैक जाना है, यहाँ से बैक जाना है। उसका दोस्तों सिंपली यहाँ आपको अकाउंट पर क्लिक कर देना है, ऐड अकाउंट। यहाँ दोस्तों आप देख रहे हो गूगल, आपको गूगल पे भी क्लिक कर देना है दोस्तों। यहाँ आपको अपनी आईडी डाल देनी है दोस्तों। आईडी को मैं हैड कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैं अपनी आईडी किसी को दिखाता नहीं हूँ। और दोस्तों मैं अपना पासवर्ड भी हल करके डाल दूँगा। यहाँ दोस्तों आपको जो अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड पता हो और आईडी पता हो वही डालें। ओके तो एग्री। उसके बाद दोस्तों मुझे फ़ोन को रिबूट कर दिया। उसके बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। स्टार्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। दोस्तों आप सिंपली इस फ़ोन को खोलते जाएंगे, आपको जो आईडी मांग रहा था वो आईडी नहीं मांगेगा। यहाँ दोस्तों आपकी जो आईडी है ऐड हो जाएगी। यहाँ फिर नेक्स्ट कर देना है। नो थैंक्स, नेक्स्ट, स्किप, मोर, मोर, ओके। फिर दोस्तों यहाँ से मुझे नेक्स्ट कर देना है। इस प्रोसेस को पूरा होने के बाद नेक्स्ट, स्किप। दोस्तों आप देख सकते हो सिंपली मेरा पूरा फोन खुल जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो आपसे। बाय। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना होगा। दोस्तों इस चैनल पर हम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जिसके दोस्तों मैं नई वीडियो डालूंगा आपका नोटिफिकेशन फोन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।